फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये छोटे छोटे से जो आप प्लांट देख रहे हैं ये टिटोनिया के हैं। फ्रेंड्स इसकी मैं वीडियो में फोटो लगा दूंगी तो आप पहचान जाएंगे, और जिन्हें पता होगा नाम से तो वो तो जानते ही होंगे कि ये गर्मी के फ्लावर हैं और काफी अच्छे फ्लावर आते हैं, काफी खूबसूरत दिखते हैं। तो मैंने इसके सीड्स लगाए थे और ये काफी बड़ा हो गया है प्लांट। और फ्रेंड्स अब ये जो गिलास है इसके लिए काफी छोटा हो रहा है, आप रूट देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ बड़े पॉट में। तो इसके साथ में थोड़ा सा ये जो प्लांट आप देख पा रहे हैं ये सनफ्लावर सूरजमुखी के हैं, ये मैंने यहाँ पर चिट लगा दी थी। तो ये देखिए, तो ये सनफ्लावर के हैं फ्रेंड्स। और इसको भी मैं थोड़ा सा एक या दो प्लांट को शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि अभी पॉट तो है नहीं मेरे पास में। और मिट्टी मैंने पहले से ही बना ली है। मिट्टी मैंने किस तरीके से तैयार करी है, गर्मी के हिसाब से हमें इस बार मिट्टी तैयार करनी है क्योंकि विंटर चली गई है फ्रेंड्स। और अब हमें जो गर्मी की सॉइल मिक्स तैयार करनी है उसमें कोकोपीट जो है उसकी मात्रा ज्यादा रखनी है, और जो हमारी खाद है वो हम कम रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में हमें खाद की ज्यादा मात्रा नहीं बढ़ानी है क्योंकि हमारे प्लांट के लिए जो खाद होती है वो काफी गर्म हो जाती है, चाहे फिर वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या फिर केमिकल खाद हो जैसे डीएपी हो या एनपीके। तो इस हिसाब से मैंने जो सॉइल मिक्स तैयार किया है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है फ्रेंड्स। और इसके साथ में ही थोड़े से प्लांट हैं, जो टमाटर के प्लांट तो ऑलरेडी मैंने लगा दिए हैं फ्रेंड्स, उसके ऊपर एक वीडियो आने वाली है। आप देखिएगा फ्रेंड्स कि टमाटर के सीड से लेके आप टमाटर को ग्रो करने के लिए गर्मी में स्पेशली कैसे ध्यान रखेंगे, वो वीडियो मैंने तैयार कर ली है फ्रेंड्स और बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने भी टमाटर लगाए हैं तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वक्त फ्रेंड्स इस सनफ्लावर और इस फ्लावर के जो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टिटोनिया ऐसा लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके मैं 20 सीड्स लगा रही हूँ। तो मेरे पास में फ्रेंड्स मैंने तैयार किए हैं ये चार गमले, और चार गमलों में मैं लगा दूंगी। बाकी की जो सॉइल मिक्स बचेगी फ्रेंड्स उसको मैं एक घर की ही पॉलीथीन में डालकर फिर सनफ्लावर के इसमें लगा दूंगी। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और ये जो छोटे छोटे से आप पॉट देख रहे हैं इसको मैं एप्सम सॉल्ट का पानी दे देती हूँ ताकि ये शॉक में ना जाए लगाने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चार गमले तो मैंने अच्छे से इसमें भर ली है मिट्टी को, और उसके बाद में थोड़ी सी मिट्टी और बची थी तो ये बैग मैंने भर लिया है। और इसमें मैं सनफ्लावर के जो पौधे हैं वो लगा दूंगी फ्रेंड्स, और इनको इसमें लगा दूंगी। तो इसमें क्या है, फ्लावर के मैं दो प्लांट लगाने का सोच रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वो काफी बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं और मैं उनकी हाइट भी छोटी रखूंगी, तो इसलिए ये चार गमले उनके लिए अच्छे होंगे। और इसमें मैं दो सनफ्लावर के लगा दूंगी, उसके बाद में फिर मैं वापस से मिट्टी तैयार करूंगी। तो मेरे पास में जो शिमला मिर्ची के सीड्स के अभी सीडलिंग लगी हुई है और बैंगन की सीडलिंग लगी हुई है, उन सबको भी फिर मैं लगाऊंगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी मैं सिर्फ इन्हीं को शिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं निकाल के फटाफट से शिफ्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम इस फ्लावर के प्लांट को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, और मैंने इसमें पानी डाल दिया है एप्सम सॉल्ट का। तो एप्सम सॉल्ट का पानी डालने से फ्रेंड्स इनको शॉक नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स काफी अच्छी रूट्स आ रही है और काफी अच्छी ग्रोथ भी चल रही है, लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट नहीं करती तो फिर ये मुरझाने लगते और इसमें फ्रेंड्स इनकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये सही टाइम है कि हम इसे शिफ्ट कर दें। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं दो प्लांट इसमें शिफ्ट करूंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि दो एक साथ ही निकालूं तो काफी अच्छा होगा। अलग अलग एक एक करके निकालने से इनकी रूट काफी डिस्टर्ब होगी। तो रूट्स तो काफी अच्छी आई है फ्रेंड्स देखिए। और इसका जो सॉइल मिक्स मैंने बनाया था फ्रेंड्स वो इस तरीके से बनाया था कि मैंने कोकोपीट और रिवर सेंट, या फिर आप रिवर सेंट की जगह आप जो कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और कोकोपीट ले लीजिए, या फिर आप तीनों ही रख सकते हैं कि रिवर सेंट हाफ पार्ट ले लीजिए, हाफ पार्ट आप कोकोपीट ले लीजिए और हाफ पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमें इसे लगाना है, और ये इसे हम फ्रेंड्स लगाने के बाद में एप्सम सॉल्ट का हमने पानी दे दिया है, और अगर आप पहले नहीं देते हो तो बाद में जब आप फंगीसाइड का पानी देंगे फ्रेंड्स तब आप इसको फंगीसाइड का पानी दे दीजिए। इसमें थोड़ी सी कुछ पत्तियां हैं जो इंसेक्ट लग रही हैं या फिर धूप से जल गई हैं, तो मैं उन्हें हटा दूंगी और ये काफी अच्छा रहेगा इसको हटाने से फ्रेंड्स इस तरीके से। और ये देखिए अब ये दो प्लांट मैंने शिफ्ट कर दिए हैं और इनके रूट्स काफी अंदर तक चली जाएगी। तो इसके बाद में फ्रेंड्स मैं इसमें लगाऊंगी, और इसमें तो काफी दो लगेंगे, तो एक को मैं किसी छोटे से पॉट में लगा दूंगी इसको, और इसको मैं इसमें अभी लगा देती हूँ इस तरीके से। तो इसकी जो सॉइल मिक्स तैयार करी थी फ्रेंड्स तो उससे काफी ज्यादा इनकी ग्रोथ हुई है और इनको ग्रो होने में भी सीड्स को अच्छा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको इनको लगाना है,
और ये जो धूप में थोड़ी सी पत्तियां जल गई है क्योंकि काफी धूप में रख रखा था मैंने बालकनी में। और देखिए अब ये हो गया है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये दो हो गए हैं और ये भी दो हो गए हैं। इसको मैं किसी एक छोटे से पॉट में लगा दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं लगाती हूँ अब हमारे जो सनफ्लावर थे उनको, तो इनको तो पूरा निकालूंगी मैं। तो इसकी भी अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इसकी क्या ग्रोथ चल रही थी। और छोटे छोटे से पॉट में मैंने लगा रखा था। इसके बाद में मैं बैगन की लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी रूट्स चल रही है इनकी और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी चल रही है, नीचे भी काफी रूट बॉन्डिंग हो गई थी देखिए फ्रेंड्स, और काफी अच्छी ग्रोथ है क्योंकि प्लांट का जो साइज है आप देख पा रहे होंगे कि इस साइज के हिसाब से ही पता चलता है कि इसकी रूट्स कितनी होगी। तो इसको भी लगा लेते हैं फ्रेंड्स, और इसको भी मैं सोच रही हूँ कि एक या दो एक गमले में शिफ्ट करूँ क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे, ये दो इसमें लगा देंगे फ्रेंड्स और बाकी के फिर दो इसमें लगा के, और ये एक बैग जो मैंने तैयार किया है उसमें लगा देंगे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, एक को सिर्फ दो लगाते हैं इस तरीके से अंदर डाल के। काफी इजी है फ्रेंड्स लगाना, और इसके साथ में थोड़े सीड्स भी हैं। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, इतने सारे हमें लग गए हैं। इसमें से एक पौधा भी अगर लग जाएगा फ्रेंड्स तो काफी खुशी होगी। और देखिए ये लग गया है, और ये देखिए इस तरीके से लगाएंगे। अब इसे हम फ्रेंड्स दो या तीन दिन तक शेडी एरिया में रहने देंगे फ्रेंड्स, और फिर जब ये सेट हो जाएंगे अच्छी तरीके से, और फिर पानी जब इसको देंगे हम, जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाएगी तभी इसको पानी देंगे। छोटा सा ये रह गया फ्रेंड्स, और अब ये हो गए हैं दो, इधर लगा दिए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इस बैग में भी लगा लेते हैं, तो मैं इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाऊंगी फ्रेंड्स क्योंकि ये बैग काफी बड़ा है, और जैसे ये बड़े होंगे तो फिर मैं इसमें सॉइल मिक्स और डाल के ऐड कर दूंगी, तो ये इनको फैलने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो इसे ये देखिए फ्रेंड्स रिवर्स एंड और कोकोपीट में डालने के बाद में इसकी रूट्स भी कितनी अच्छी निकल कर आई है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट भी इस तरीके से ग्रोथ करें, तो आप जब सीड्स ग्रो करें फ्रेंड्स तो इस तरीके से आप सॉइल मिक्स तैयार करें और उनको इस तरीके से ग्रो करें तो काफ़ी अच्छे से होगी, क्योंकि जो हमारी रिवर्स एंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पानी को सोख के नहीं रखती है, और मॉइस्चर बनाने का काम कोकोपीट का होता है फ्रेंड्स, तो वो काफ़ी मॉइस्चर को सोख के रखता है, और जो सीड्स है उसको रूट्स फैलाने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सब हो गया, और अब हम इसमें पानी डाल देंगे जो हमारा फंगीसाइड वाला पानी होता है, और फिर इसको हम छांव में रख देंगे। तो ये जो प्लांट है इसको भी मैं किसी में लगा दूंगी फ्रेंड्स, तो अभी तो फिलहाल पानी डाल देते हैं, और फंगीसाइड वाला पानी डालना है फ्रेंड्स। इसके बाद में फिर आपको 3 से 4 दिन के लिए इसको शेडी एरिया में रख देना है, और फिर उसके बाद में फुल सनलाइट में रख देंगे। तो ये क्या है फ्रेंड्स कि प्लांट जो हैं वो गर्मी के हैं, तो काफी अच्छे से फ्रेंड्स ये ग्रोथ करेंगे सनलाइट में, और इसको पूरे दिन की सनलाइट दीजिएगा फ्रेंड्स तो ये काफी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और फिर टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरीके की खाद देना है और किस तरीके की इनकी केयर करना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।